दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सीखेंगे कि कैसे हम एक स्विच बोर्ड के अंदर फैन रेगुलेटर लगा सकते हैं। अगर आप भी अपने स्विच बोर्ड के अंदर फैन रेगुलेटर लगाना चाहते हैं या फिर अपने फैन की स्पीड को कम या ज्यादा करना चाहते हैं, उसके लिए फैन रेगुलेटर लगाना चाहते हैं, आपके स्विच बोर्ड के अंदर फैन रेगुलेटर नहीं लगा हुआ है, तो उसके लिए कैसे उसकी वायरिंग करनी है, कैसे उसको लगाना है, आज की इस वीडियो में आप यही सीखने वाले हैं। तो इसके अंदर से मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ, जो स्विच है ये फैन, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर मान लेते हैं ये वाला स्विच है जो फैन को गया हुआ है, यहाँ से दो वायर गई हुई है फैन के पास, एक न्यूट्रल है जो कि न्यूट्रल डायरेक्ट फैन के अंदर कनेक्ट है और जो फेज वायर गया हुआ है वो स्विच के थ्रू होते हुए गया है। आज की इस वीडियो में आप सीखेंगे कि कैसे स्विच से फैन रेगुलेटर के कनेक्शन करने हैं और फैन के अंदर कैसे वो वायर जाएंगी। तो चलिए हम उसको एक बार देख लेते हैं कैसे उसकी वायरिंग करनी। तो दोस्तों जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, स्विच बोर्ड के अंदर जो फैन के लिए दो वायर जाती है सीलिंग फैन के लिए, एक न्यूट्रल और एक फेज वायर। न्यूट्रल वाली ये जो डायरेक्ट चली जाएगी फैन के अंदर और जो ये फेज वायर है वो जाएगी स्विच, अभी तो स्विच के थ्रू जा रही थी, जैसे कि हमारे इस स्विच के अंदर नीचे वाले टर्मिनल के अंदर फेज वायर आ गया और ऊपर से हमारे को जो फेज ये फैन के लिए फेज वायर कनेक्ट होकर चली गई थी। लेकिन अभी इसके अंदर हमें एक फैन रेगुलेटर के कनेक्शन करने हैं, वो कैसे करने हैं अभी इस वीडियो में आप देखते रहना। अगर वे ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक शेयर जरूर कर देना। दोस्तों अगर हमारा चैनल आपको पसंद आता है तो सब्सक्राइब भी कर लेना और बेल का आइकॉन भी दबा लेना। तो मैं आपको सबसे पहले आपको दिखा देता हूँ, इसके अंदर सबसे पहले फेज वायर आया होता है उसको हम एक यहाँ पे कनेक्ट कर लेते हैं। जो नीचे का टर्मिनल है स्विच का, ये स्विच है, इसका नीचे का टर्मिनल ये वाला है, इसको हम ओपन कर लेते हैं। नीचे का हो गया, इसको हम इस तरह से टाइट कर लेंगे तो ये हमारा डायरेक्ट फेज आ गया और ये न्यूट्रल हो गया। स्विच तक हमारी सप्लाई पहुंच गई है, अभी आप देख सकते हैं स्विच में कनेक्ट सप्लाई पहुंच गई है और न्यूट्रल हमारा डायरेक्ट फैन को चला गया। तो काफ़ी फैन रेगुलेटर के अंदर ये वायर नहीं निकले होते, वहाँ पे टर्मिनल होते हैं, अगर टर्मिनल है तो क्या करना पड़ेगा, आपको वायर जोड़नी पड़ेगी, अगर वायर है तो इसको वायर को ही कनेक्ट कर लेना है। इनमें से एक वायर लेनी है आपको, एक वायर लेके आपको जो स्विच का जो ऊपर वाला पॉइंट है उसमें इसको इस तरह से कनेक्ट कर देना है। ठीक है दोस्तों, अभी आप देख सकते हैं यहां से हमारा फेज आएगा और ये स्विच में हो जाएगा, स्विच से निकल के ये फैन रेगुलेटर की एक वायर के अंदर चला जाएगा, फैन रेगुलेटर की एक वायर ये वाली यहां पे कनेक्ट होगी और जो दूसरा एंड है, दूसरे एंड को हम यहां से केबल जोड़ के एक केबल लेंगे, वायर लेंगे, वायर या फिर इसको हम यहाँ पे अच्छे तरीके से जोड़ के इसको और टेप लगा देंगे यहाँ पे, ताकि कोई कनेक्शन खुला ना रहे, जिससे कि शॉक वगैरह ना लगे, शॉर्ट सर्किट वगैरह ना हो। ठीक है, इस तरह से टेप लगा दें और ये अभी सर्किट कंप्लीट हो गया है, इसके अंदर फैन रेगुलेटर लग गया है। तो इस तरह से ये वायरिंग करनी है आपको और ये जो वाला ये वायर जो हमने जोड़ा है ये जाके फैन के अंदर कनेक्शन हो जाएंगे। इसके एक वीडियो और बनाऊंगा कि फैन के अंदर कैसे कनेक्शन करने हैं, कैपेसिटर के साथ, कंडेंसर के साथ, वो वीडियो भी आप जरूर देखना। अगर वो वीडियो देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो दोस्तों इस वीडियो में आपको दिखा देता हूँ, जैसे एक तो फेज जो सॉरी न्यूट्रल वायर है वो सीधा डायरेक्ट चला गया और जो फेज वायर आया हुआ है उसमें क्या किया हमने, एक स्विच लगा दिया, स्विच जब जैसे दबाएंगे तो यहाँ पे पावर आएगी, हम अपनी स्पीड को कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको एक बोर्ड के पास लेके चलता हूँ, उसमें आपको। तो दोस्तों अभी आप ये देख सकते हैं ये बोर्ड है हमारा, ये फैन रेगुलेटर लगा हुआ है, यहाँ से हम अपनी स्पीड को कम ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ से इसको बंद कर सकते हैं। फैन अभी हमारा बंद हो गया है, अभी चलने लग गया है, अभी आपको मैं दिखा देता हूँ ये फैन चल रहा है, इसको जैसे हम स्पीड को कम करेंगे तो आप देख सकते हैं ये कम भी हो जाएगी, धीरे धीरे ये कम हो रही है, आप इसकी साइड देखते रहना। तो दोस्तों अभी आप देख सकते हैं फैन की स्पीड अभी एक नंबर पर डली हुई है, तो हमारी ये स्पीड एक नंबर से चल रही है, जैसे हम इसकी स्पीड बढ़ाएंगे तो ये बढ़ती चली जाएगी, धीरे धीरे बढ़ रही है, अभी देख सकते हैं। अभी इसको हम लास्ट पोजिशन पर लेकर चलते हैं, पाँच नंबर पर, तो स्पीड बढ़ जाएगी। तो इस तरह से आप अपनी फैन रेगुलेटर के कनेक्शन कर सकते हैं। वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताना, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें।